स्वागत है आपका मुमास ढाबा में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं डोसा का बैटर। देखिए ये हमारा डोसा का बैटर ऐसा होना चाहिए, खमीर बिल्कुल आ गया है और कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए डोसे की, बैटर की। आज मैं बताऊंगी आपको डोसा कैसे बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पेपर डोसा। पेपर डोसा बच्चों को बहुत पसंद आता है और मैं बनाऊंगी बटर के साथ, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा। आप बच्चों को दे सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, जब मर्जी तब आप इसे बना सकते हैं। बैटर को बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये आपका दो से तीन दिन चल जाएगा। सबसे पहले हम तवा गरम करेंगे और एक टिप देना चाह रही हूँ मैं आपको डोसा बनाने के लिए, नॉन स्टिक तवा का यूज़ ना करें, आप लोहे के तवा का यूज़ करें। डोसा लोहे के तवा में बढ़िया बनता है। ये देखिए ये हमारा लोहे का तवा है, तवा हमारा गर्म हो चुका है। जब तवा आपका गर्म हो जाए तो आप उसमें पानी के छींटे मारेंगे, ये देखिए, और उसको एक कपड़े से पोंछ लेंगे। पहले तवा गर्म करेंगे, फिर गैस कम करके मीडियम पे करके आप पानी के छींटे मारेंगे। पानी के छींटे मारने के बाद आप उस पर बैटर डालेंगे। बैटर को एक साइड से ही चलाएंगे आप। देखिए कितना बढ़िया बैटर तैयार हुआ है, इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये पहचान है कि हमारा बैटर बहुत बढ़िया बना है। अब हम गैस को तेज कर देंगे। आप चाहें तो रिफाइन यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए गैस को हमने तेज फ्लेम पर कर रखा है, बहुत बढ़िया बैटर बना है, बबल्स आ गए हैं इसमें, डोसा भी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी बनेगा। अब देखिए हम इस डोसे में बटर लगा रहे हैं। ये डोसा बहुत ही हेल्दी डोसा है, इसमें मैंने कोई रिफाइन का यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो रिफाइन भी डाल सकते हो, मैंने बटर लगाया है। अब आप देख सकते हैं ये डोसा मेरा बिल्कुल तवे से बाहर निकल गया है। आपको याद होगा जब मैंने डोसा का बैटर बताया था आपको, उसमें मैंने एक टिप बताई थी, इसमें आप चने की दाल डालें जिससे ये डोसा चिपकेगा नहीं। अब ये डोसा हमारा बिल्कुल तैयार है। डोसा हम एक तरफ ही सेकेंगे, दूसरी तरफ नहीं सेकेंगे। अब ये देखें आप, ये बिल्कुल रेड कलर का आने लगा है ऊपर से, इससे आप ये समझ लें कि डोसा आपका बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये देखें आप डोसे का कलर देखें, कितना बढ़िया कलर डोसे का आया है, बिल्कुल ये रेडी है खाने के लिए। इसे गर्मा गर्म परोसें चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, डोसा कैसे बनाते हैं जो वीडियो डाला अगर पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद ममाज ढाबा की तरफ से।